नमस्ते, मेरा नाम है हर्षिता और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। हुरून इंडिया और एडेल गिव ने 10 नवंबर को भारत के बड़े दानवीरों की लिस्ट निकाली। इस लिस्ट में विप्रो के फाउंडर अजीम प्रेम जी फर्स्ट आए हैं। लिस्ट के मुताबिक अजीम प्रेम जी ने साल 2020 में टोटल 7,904 करोड़ रुपए डोनेट किए हैं। हुरून इंडिया और एडेल गिव फाउंडेशन मिलकर हर साल सबसे ज्यादा डोनेट करने वालों की लिस्ट निकालते हैं, जिसका नाम है एडेल गिव हुरून इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट। 10 नवंबर मंगलवार को इसका 7वां एडिशन जारी हुआ, जिसमें विप्रो के फाउंडर और चेयरमैन अजीम प्रेम जी ने पहला स्थान हासिल किया है। अगर उनका एवरेज निकाले तो हर दिन उन्होंने 22 करोड़ रुपए का दान किया। एडेल गिव हुरून इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट 2020 ने एक प्रेस स्टेटमेंट जारी किया, जिसमें उन्होंने लिखा, 1 अप्रैल 2020 को अजीम प्रेम जी फाउंडेशन ने 1000 करोड़, विप्रो ने 100 करोड़ और विप्रो एंटरप्राइज ने 25 करोड़ रुपए कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए दिए। ये सारा पैसा विप्रो के द्वारा हर साल की जाने वाली CSR एक्टिविटी और अजीम प्रेम जी फाउंडेशन के डोनेशन से अलग है। हुरून इंडिया के चीफ रिसर्चर ने भी कहा है कि अजीम प्रेम जी इंडियन फिलेंथ्रोपी लिस्ट के लिए एक रोल मॉडल है और लगातार दूसरे उद्यमियों को भी इसके लिए प्रेरित करते रहे हैं। इसी लिस्ट में अजीम प्रेम जी के पीछे HCL टेक्नोलॉजीज के फाउंडर और चेयरमैन शिवनादर दूसरे स्थान पर हैं। भारत के सबसे अमीर व्यक्ति यानी कि मुकेश अंबानी तीसरे नंबर पर है। दूसरे नंबर पर काबिज 75 साल के शिवनादर ने साल 2020 में 795 करोड़ रुपए डोनेट किए। वहीं मुकेश अंबानी ने 458 करोड़ रुपए का डोनेशन दिया। अगर आपको याद हो तो इसी साल मुकेश अंबानी ने पीएम केयर्स फंड में भी 500 करोड़ रुपए डोनेट करने की घोषणा की थी। चौथे नंबर पर कुमार मंगलम बिरला आए, जिन्होंने 276 करोड़ रुपए का डोनेशन दिया। एडेल गिव हुरून इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट 2020 के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले इस साल डोनेशंस में 175% की वृद्धि हुई है। 10 करोड़ रुपए से ज्यादा डोनेशन देने वालों की संख्या भी इस साल 37 से बढ़कर 78 हो गई। 37 साल के उद्यमी और फ्लिपकार्ट के फाउंडर यानी कि बिनी बंसल ने सबसे कम उम्र में इस लिस्ट में अपनी जगह भी बनाई है। इसके अलावा भारत से डोनेशन देने वालों में से सबसे ज्यादा मुंबई से थे। मुंबई से 36 लोगों ने इस लिस्ट में जगह बनाई, तो दिल्ली से वहीं 20 और बेंगलुरु से 10 लोग इसमें शामिल हुए। इस साल मोस्ट फेवर्ड कॉज एजुकेशन रहा, यानी कि सबसे ज्यादा पैसा लोगों ने शिक्षा के लिए डोनेट किया। आपके लिए रिपोर्ट लिखी थी हमारे साथी मयंक ने। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। अब रोज दोपहर 12 बजे लल्लन टॉप लाएगा मैटनी शो, सिनेमा का कंप्लीट शो जहां सनसनी नहीं सेंस होगा। सोमवार बॉलीवुड किस्से, फिल्म और फिल्म वालों की दिलचस्प कहानियां। मंगलवार लल्लन टॉप अड्डा, चौचक बैठ की हेडलाइंस बनाने वाले हीरो हीरोइन डायरेक्टर के साथ। बुधवार कहां गए ये लोग जो कभी स्टार थे, अब लगता है कि गुमनाम है, उनकी खोज खबर। गुरुवार भारत टॉकी, बेस्ट ऑफ रीजनल सिनेमा, क्योंकि हिंदी के बाहर भी जाबड़ फिल्में बनती हैं। शुक्रवार स्पॉटलाइट, हफ्ते की सबसे बड़ी सिनेमा न्यूज के हर एंगल पर फोकस। शनिवार को होगा बर्गर, फिल्मों के महारथियों से तसल्ली से लंबी बात, सुकून और समझ के साथ। और रविवार को होगी सिने वेला, वेला यानी कि पीरियड, कक्षा, क्लास। ये क्लास लेंगे लल्लन टॉप के सिनेमा एडिटर गजेंद्र। क्लासिक फिल्मों और सिनेमा पर इसके हर पहलू पर विस्तार से बात होगी। तो रोजाना दोपहर 12 बजे देखिए लल्लन टॉप का मैटनी शो।